प्रदेश के बांदा में पुलिस के द्वारा 3 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों में से एक बदमाश को गोली लगी हुई थी। पुलिस के द्वारा उपचार के लिए जिला अस्पताल बांदा में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्रा ने बताया कि शाम को पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था और स्थानीय पुलिस के द्वारा यह चेकिंग अभियान चिल्ला थाना की तरफ किया जा रहा था, जिसको लेकर स्थानीय पुलिस के द्वारा सड़कों पर उतरकर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी के दौरान बुलेट में सवार 3 संदिग्धों को जब पुलिस ने हाथ देकर रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस को देखते ही भागना शुरू कर दिया। ऐसा करने के बाद पुलिस के द्वारा उनका पीछा किया गया और जब यह सभी बदमाश एक खेत की तरफ भागने लगे तो पुलिस ने दौड़कर उनको पकड़ने का प्रयास किया। उसी दौरान एक बदमाश के द्वारा पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर जवाबी फायर करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की। उसी के दौरान एक बदमाश को पैर में गोली लग गई और 2 बदमाशों को पकड़कर दबोच लिया गया। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले चिल्ला थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई चोरी में इन 3 बदमाशों का हाथ था। तलाशी के दौरान इनके पास से चिल्ला थाना क्षेत्र अंतर्गत चोरी किए गए माल को बरामद किया गया है और इन बदमाशों ने 2 और लूट के अंजाम को कबूल किया है। फिलहाल 3 बदमाशों को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए जेल भेजने का काम किया जा रहा है। मामला आया था मुठभेड़ का, क्या मामला था, क्या नाम है? अभी एक मुठभेड़ का मामला आया है, इसमें सलमान खान नाम के व्यक्ति को लाए गए, उसका यहाँ पे उपचार चल रहा है और उसका ये चिल्ला थाने के पास उसके साथ ही और इसमें इसके एक्सरे एडवाइस कर दिया गया है पैर का। उसके बाद एक्सपर्ट के ओपिनियन से पता चल पाएगा कि इसके पैर में गोली लगी है या नहीं। कौन से पैर में गोली लगी, किस तरीके से? इसके राइट पैर में खरोंच का निशान है, अभी इस पर कन्फर्म नहीं है कि गोली है। अब पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर जनपद बांदा के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सभी थाना क्षेत्रों द्वारा लगभग 4:30 बजे से चेकिंग की जा रही थी। पैलानी रोड पर पपरेटा चौकी अंतर्गत चिल्ला थाने की पुलिस द्वारा भी चेकिंग की जा रही थी। 3 बदमाश मोटरसाइकिल बुलेट मोटरसाइकिल पर आ रहे थे, उनको रुकने का इशारा किया गया, भागने लगे। पुलिस पार्टी ने पीछा किया, लगभग 1 किलोमीटर आगे जा करके चिल्ला पैलानी बॉर्डर पर ये मोटरसाइकिल बाएँ मोड़ करके खेतों की तरफ झाड़ियों की तरफ भागने लगे, जहाँ पर पुलिस द्वारा इनको पकड़ने की कोशिश की, इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया और जवाबी फायरिंग में पुलिस की एक बदमाश को पैर में गोली लगी है, 2 अन्य बदमाशों को दबोच करके पकड़ लिया गया है और घायल बदमाश को तत्काल चिकित्सा हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया है और सभी बदमाशों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तलाशी में इनके पास से 11 अगस्त को चिल्ला थाना अंतर्गत एक लूट की घटना में जो भी माल ज्वेलरी गई थी सोने और चांदी की, वो 100% की रिकवरी हुई है। पूछताछ पर इन लोगों ने थाना बवेरू में 2 घटनाएं और कबूल करना बताया है।